ओके तो वेलकम गाइस, सबसे पहले आप इस ट्रेंडिंग रील्स को देखिए। ओके गाइज, तो अभी जो आपने स्क्रीन पे वीडियो देखा या वीडियो देख रहे हो गाइज, इस टाइप का रील्स इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है गाइज। और ऐसा रील्स बनाना काफी आसान है, सिंपली आप एक क्लिक में बना सकते हो ऐसा रील्स, ठीक है। उसके लिए गाइज आपको VN का QR कोड होना चाहिए, ठीक है। इस QR कोड का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, वीडियो में आगे पता चल जाएगा। देख सकते हो तो मैंने QR कोड को अभी क्रॉप कर दिया ऊपर में। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखिएगा। तो जैसा है गाइज, हम आ गए अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पे। सो QR कोड का स्क्रीनशॉट आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, VN ऐप को ओपन करना होगा, ठीक है। QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद आपको VN ऐप को ओपन करना होगा। तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ऊपर में आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपको स्कैन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और जिस QR कोड का स्क्रीनशॉट लिए थे उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही गाइज आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट देखने को मिल जाता है VN का, देख सकते हो ऐसा ही टेम्पलेट देखने को मिल गया है, ठीक है। इसी टेम्पलेट को हम यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यूज करेंगे, वो भी एक क्लिक में एडिटिंग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए गाइस देख सकते हो इस वीडियो में हमारा साउंड नहीं है, साउंड भी ऐड करना बताऊंगा, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। पहले इस टेम्पलेट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से यूज टेम्पलेट का ऑप्शन दे देगा। यूज टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद अपने गैलरी से गाइस जिस फोटो को आप ऐड करना चाहते होंगे, जिस फोटो में आप कन्वर्ट करना चाहते होंगे, ऐसा रील्स बनाना चाहते होंगे, ठीक है। सो उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे टेम्पलेट में बन जाएगा रील्स, ठीक है। सो यहाँ पे एरो पे क्लिक करके, एक्सपोर्ट पे क्लिक करके पहले आपको इस वीडियो को सेव कर लेना होगा, ठीक है। जिस तरह से हमने किया है गाइज आप ध्यान से देख करके कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले आप वीडियो को इस तरह से सेव कर लीजिएगा, इसके बाद हम साउंड ऐड करेंगे। साउंड ऐड करने के लिए गाइज फिर से आपको प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा। जो अभी हमने वीडियो बनाया है उस वीडियो को फिर से ऐड कर लेना होगा, ठीक है। जो भी हमने गाइज सेव किया है वीडियो VN में टेम्पलेट यूज करके, उसको आपको यहाँ पे फिर से ऐड कर लेना होगा, और इसका साउंड म्यूट कर देना होगा, ठीक है। म्यूट आप यहाँ से भी कर सकते हो, और नीचे वॉल्यूम वाला ऑप्शन पे भी क्लिक करके वॉल्यूम कम कर सकते हो, ठीक है। सो हम कर देते हैं म्यूट। म्यूट करने के बाद गाइज अब हमें साउंड वाला वीडियो को ऐड कर लेना होगा, ठीक है। तीसरे वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक कीजिएगा, और साउंड वाला वीडियो को यहाँ से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। साउंड वाला वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसी तरह से आपको ऐड कर देना होगा। जैसे तो गाइज साउंड वाला वीडियो हमारा ऐड हो चुका है। अब गाइज इस वीडियो से हमारा ऑडियो बाहर निकाला, यानी कि गाइज म्यूजिक हमें चाहिए, ठीक है। सिंपली आपको खाली म्यूजिक चाहिए, तो म्यूजिक निकालने के लिए आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करना होगा, तो इसका म्यूजिक निकल जाएगा। देख सकते हो गाइस इस वीडियो का म्यूजिक यहाँ पे निकल गया है, ठीक है। अब गाइस हमें इस वीडियो को यहाँ से डिलीट करना होगा, वीडियो वाला लेयर पे टाइप कीजिएगा, और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। सो देख सकते हो गाइस साउंड ऐड हो चुका है हमारा वीडियो में। तो इसी टाइप से गाइस किसी भी वीडियो में आप साउंड ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो VN का QR कोड का और साउंड वाला वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइस एक वीडियो का लिंक होगा, उसी में आपको QR कोड और साउंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं।